सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लैपटॉप्स की फील्ड में सबसे ज़्यादा मॉडल एचपी लॉन्च करती है और सबसे लेटेस्ट और रीसेंट मॉडल्स भी एचपी ने लॉन्च किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और एचपी का ही लैपटॉप लेके आया हूँ जिसका मॉडल है एचपी 15S DR3500TX। ये वाला मॉडल अभी एचपी ने रिसेंटली में लॉन्च किया है जो कि इंटेल के लेटेस्ट i5 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है। तो अगर आप 60,000 अराउंड बजट में एक लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो जिसमें आप अपने ऑफिशियल वर्क भी कर सको और गेम प्ले भी आसानी से कर सको, तो ये वाला मॉडल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये डेडिकेटेड एनवीडिया ग्राफिक्स के साथ आता है। तो अगर आपने इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो आप शिव टेक स्मार्ट चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स कैसे क्या देखने को मिलते हैं और ये अपने बजट को जस्टिफाई करता है या नहीं करता। सो आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शिव टेक स्मार्ट 2.0। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस लैपटॉप के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को एक बार देख लेते हैं। इस लैपटॉप में आपको मिलता है इंटेल का लेटेस्ट i5 11 जनरेशन 1135G7 प्रोसेसर जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz है और मेमोरी इसमें मिलती है 8GB की DDR4 3200 MHz की रैम जो कि डुअल स्लॉट के साथ आती है। डुअल स्लॉट रैम में आपको सिंगल स्लॉट के मुकाबले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इस लैपटॉप में मिलती है WD की 512GB की NVMe M.2 SSD जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही आपको मिलता है NVIDIA का GeForce MX350 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो कि 2GB मेमोरी के साथ आता है और ये DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है। और इसके साथ ही CPU के साथ आता है इंटेल का लेटेस्ट आयरिस XE ग्राफिक्स जो कि 4GB की शेयर्ड GPU मेमोरी के साथ आता है। तो हम इस लैपटॉप में गेम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। और गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम आपकी फ्रेम रेट थोड़ी ड्रॉप हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। जैसे अराउंड 30 फ्रेम के समथिंग फ्रेम रेट देखने को मिल रही है, तो 40-45 फ्रेम पर सेकेंड की फ्रेम रेट आपको देखने को मिलती है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते हो। फ्रैंकलिन, आई एम गोइंग डाउन ऑन द मार्केट माय बॉय। और एक बार मैं गेम्स की सेटिंग्स पे आपको दिखा देता हूँ। 1080p फुल HD रेजोल्यूशन पे मैं गेम प्ले कर रहा हूँ। Simeon a funny dude though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? Man. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Repeat after me. Hey! It's going That's fucking cover. Down! Get out here, man. Shit about to get real. Oh, shit! Oh. Shit, on your left. Motherfucker! Ah! Ah!
gangster now, huh? Okay. LSP, you fucking putos! These marks don't even know what we're here for! You just blast they people! That might be why they irritated! Only one way out this motherfucker! They got me pinned down, shoot that gas can! Follow me, let's get through this! Damn, man! Just when I thought this shit was clearing up! You make friends wherever your ass go, nigga! There's a fool on the balcony! Up there, shoot that nigga! Bust his ass! सो एवरेज जी टी ए 5 में फ्रेम रेट 40 फ्रेम के समथिंग मिल रही है और फुल एच डी ग्राफिक्स पे ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और इसके बाद हम प्ले करके देखते हैं, एक बाइक रेसिंग है, रोड रेडेप्शन रिवेंजर्स असेंबल। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जिसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। Looks like you're riding into the Reaper's territory. These guys make Genghis Khan look like a vegan, so watch your back. Nice takedown. You make the jackals proud. Take that. तो यहां भी 40 फ्रेम पर सेकंड के समथिंग फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। और ग्राफिक्स क्वालिटी हालांकि मैंने मीडियम पे सेट कर रखी थी बट फुल एचडी रेजोल्यूशन पे प्ले हो रहा है तो काफ़ी सही है। और एक FPP एक्शन गेम भी प्ले करके देख लेते हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी कैसी क्या देखने को मिलती है। और ये गेम विंडोड मोड में स्टार्ट होता है, फुल स्क्रीन बाद में करना है। और यहाँ पे 60 फ्रेम की फ्रेम रेट मिल रही है तो काफी स्मूथ गेम प्ले हो रहा है। Pick up that gun. Follow me. Glad to see Connor's plan didn't get you killed. I'm Rihanna.
Let's go. We need to move. We're gonna have the entire KPA on our ass after that. Here comes the cavalry. Stop. Get out of the parking lot. They spotted us. Get down. They're trying to head us off. I hope you're worth what this rescue is gonna cost us. Put your weapons over. We need you in this fight, Jacob. Start shooting. Two of them coming over the fence. Surrender your weapons. Aim for the head. Make every bullet count. We will open fire. Come back. No going back. You got Korean blood on your hands. You're in the resistance now. They're coming through the skylight. There's two more up front. Pick up any spare mags you find. Don't leave any ammo for the enemy. There's a gas station up ahead. Kim's used it as a fuel depot. I know a shortcut through the suburbs. We need to get out of sight until this blows over. Hop around! Enemies by the bus! Stay low and keep behind cover. Are you trying to get shot? I'm reloading! Heavy fire! Get to cover! He's down! Okay. एफपीपी गेम इसमें तो 60 फ्रेम के अराउंड फ्रेम रेट मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्मूदिंग गेमिंग के लिए। सो फाइनली इस लैपटॉप में एक कार रेसिंग गेम भी प्ले करके देख लेते हैं, ब्लर। So friends, just like you can compete in their events, you'll start earning lights and fans. Earn lights by placing in events. Earn fans by pleasing the crowd. Lights unlock more events. Fans unlock cars. Each rival will also have a set of demands. You want to complete them all for a chance to take them on. Beat them in a one-on-one and add their car to your showroom. रेसिंग गेम में भी फ्रेम रेट 60 फ्रेम की देखने को मिली है, जो कि काफ़ी स्मूथ गेम प्ले फुल HD रेजोल्यूशन पे। सो गाइस, गेम प्ले के बाद अब इसके बेंचमार्क्स भी टेस्ट कर लेते हैं Geekbench 5 से, कैसे कैसे स्कोर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है स्कोर्स में। सो यहाँ पे CPU बेंचमार्क स्कोर्स Geekbench 5 से सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे मिले 1062 और मल्टी कोर परफॉर्मेंस पे 2749। और यहाँ पे आप इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, i5 11 जनरेशन क्वाड कोर प्रोसेसर और 8 थ्रेड के साथ आता है। बेस फ्रिक्वेंसी 2.4 GHz और मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी 4.2 GHz के समथिंग आती है। डुअल चैनल DDR4 8GB की रैम है और बाकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस स्कोर्स यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सारे।
और अब इसके जीपीयू बेंचमार्क भी टेस्ट कर लेते हैं, GeForce MX 350 है। तो यहाँ पे जीपीयू बेंचमार्क स्कोर मिले हैं OpenCL से 14109, जो कि MX 350 के लिए काफ़ी सही है। इस ग्राफिक्स कार्ड में 5 कंप्यूट यूनिट्स आती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1.47 GHz है, 2GB डेडिकेटेड मेमोरी के साथ आता है। और OpenCL स्कोर आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं, सारी स्पीड वगैरह। सो गाइस, यूज़र बेंचमार्क सॉफ्टवेयर से भी इसके बेंचमार्क रन करवा के देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। और यहाँ पे बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के मैं बेंचमार्क टेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं स्कोर्स में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी एक्सेलेंट है और NVMe M.2 SSD की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग शो हो रही है। और रीड और राइट स्पीड यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इसमें मेमोरी की बात करें तो इसमें हाइनिक्स कंपनी की डुअल चैनल रैम लगी हुई है, जो काफ़ी अच्छी रैम प्रोवाइड करवाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, मैंने विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बेंचमार्क टेस्ट किए हैं जीपीयू के, तो ज़्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता। 15162 का OpenCL स्कोर देखने को मिल रहा है, तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं होता, बट फ्रेम रेट थोड़ी सी ड्रॉप हो सकती है, बाकी परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलेगी। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने इस लैपटॉप में गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट किए और बेंचमार्क्स भी टेस्ट किए, तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट इंटेल का i5 11 जनरेशन प्रोसेसर और उसके साथ NVIDIA का 2GB MX 350 ग्राफिक्स कार्ड भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से वीडियो परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और फ्रेम रेट भी 60 फ्रेम के समथिंग अराउंड फ्रेम रेट देखने को मिली आपको। तो अगर आप 60,000 के बजट में एक लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हैं, जिसमें आप अपने सारे एडिटिंग वर्क और वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, रेंडरिंग वगैरह सारे ही काम कर सको आसानी से, तो ये लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये लैपटॉप लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। और इसके साथ ही इसके डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD एंटीग्लेयर IPS पैनल आपको देखने को मिलता है। साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स में इसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट वर्क करता है। तो इस लैपटॉप की रिगार्डिंग मेरा फाइनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप इस बजट के अराउंड लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो ये वाला मॉडल परचेज कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में इस लैपटॉप की रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट एक्साइटिंग लैपटॉप के साथ। होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।